तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं हम, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। y इक्वल्स टू लॉग एक्स की होल पावर कॉस एक्स है, y इक्वल्स टू लॉग एक्स की होल पावर कॉस एक्स। मतलब देखो आप चेक करना, इधर जो लॉग एक्स है उस पे वेरिएबल x लगा हुआ है, और इसकी जो पावर है उसमें भी कहीं ना कहीं वेरिएबल x लगा हुआ है। मीन्स आपके पास फंक्शन है, फंक्शन जो y है वो है वेरिएबल की पावर सम वेरिएबल, वेरिएबल की पावर सम वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो वहां पे हम x की पावर n वाला d बाई dx नहीं लगाते हैं। क्लियर है? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है d बाई dx ऑफ x की पावर n, जिसका रिजल्ट क्या होता है, n x पावर में n माइनस वन। मोस्टली क्या होता है, गलतियां क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे x की पावर n जैसा समझ लेते हैं और ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे देखो x की पावर n है, जो कि n क्या होता है, यहां पे n एक रियल नंबर है, ये तो वेरिएबल है। ओके, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, तो जब वेरिएबल की पावर एक रियल नंबर होती है तो फॉर्मूला लगता है हमारा एन एक्स एन माइनस वन, जो कि ठीक है। लेकिन वेरिएबल की पावर जब वेरिएबल होती है तो हम ये वाला इस रिजल्ट में ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा यहां पे भी है। देखो लॉग एक्स मतलब वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है कि पावर कॉस एक्स, एक्स भी क्या है, वेरिएबल है। तो इसमें हम एक्स की पावर एन जैसा इसको ट्रीट करके फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो भाई क्वेश्चन यह है, फिर करें क्या, करना कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये, वेरिएबल की पावर वेरिएबल एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। जब कभी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिले तो बता रखा है आपको क्या लिखो, सीधे टेकिंग लॉग टू बोथ साइड हम करेंगे। तो भाई लॉग ले लिया, लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग किसका ले लिया, इस पूरे फंक्शन का लॉग, ब्रैकेट लगा लो, लॉग एक्स की होल पावर कॉस एक्स। देखो लॉग लगा दिया इसमें, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स में मैंने क्या यूज कर लिया, लॉग। ठीक है, देखते हैं, लॉग वाई को यहां कुछ नहीं करा, ये बन गया है। देखो इसको कैसे आप चेक करोगे, इसको लॉग एम की पावर एन जैसा बन गया, ये लॉग एम की पावर एन। क्या रिजल्ट होता है, एन आगे आ जाता है, एन कौन है, कॉस एक्स, एन लॉग लॉग एम, एम कौन है, एम कौन है, देख लो एम पूरा है, ये लॉग एम की पावर एन है, लॉग एम की पावर एन, तो एन लॉग एम, एम कौन है बताओ, लॉग एक्स है, एम कौन है, लॉग एक्स है। देखो एन लॉग एम, ठीक है ना, लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम। ठीक है, कितने फंक्शन हो गए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितने फंक्शन मिले, सिंस केवल दो ही फंक्शन है, एक फंक्शन है कॉस एक्स, एक फंक्शन है लॉग एक्स, लॉग एक्स ये दूसरा फंक्शन है, लॉग एक्स जैसा है, कॉस एक्स एक फंक्शन है, लॉग एक्स एक फंक्शन है। मतलब इसमें हम यूज क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल। क्लियर है, दो फंक्शन हो गए हैं जो कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो अब भाई क्या करना है, फिर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, तो टेकिंग डी बाई डी एक्स टू बोथ साइड, डी बाई डी एक्स करा लॉग वाई का, डी बाई डी एक्स करा किसका, कॉस एक्स एक फंक्शन, लॉग लॉग एक्स दूसरा फंक्शन। क्लियर है, और दोनों को ऐसे ब्रैकेट में रख लो, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई वन अपॉन वाई। ठीक है, चेन रूल क्या कहता है, डी बाई डी एक्स फर्दर करोगे जिसको आपने एक्स जैसा माना है, मतलब वाई को माना है एक्स जैसा, तो वाई का दोबारा करा, वन अपॉन वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, किसी एक फंक्शन को बाहर ले लो, मैंने कॉस एक्स को बाहर लिया, कहता है डी बाई डी एक्स करो दूसरे फंक्शन का, दूसरा फंक्शन मैंने क्या मान लिया, लॉग लॉग एक्स,
कहता है प्लस साइन लगाओ, प्लस साइन लगाओ। अब जो दूसरा फंक्शन का जो डी बाई डी एक्स करा था, दूसरे फंक्शन का डी बाई डी एक्स करा था, इस बारी उसको बाहर लिख दो, मतलब लॉग लॉग एक्स को बाहर लिख दो, और कहता है इंटू डी बाई डी एक्स कर दो पहले फंक्शन का। पहला फंक्शन कौन? कॉस एक्स। क्लियर है प्रोडक्ट रूल? जानते हो नहीं जानते हो? अरे यार नहीं जानते हो तो लो समझो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी है, दो फंक्शन है यू और वी, तो यू को बाहर रखो, डी बाई डी एक्स करो वी का, तो प्लस वी को बाहर रखो, डी बाई डी एक्स करो किसका? यू का। ये यही तो कर रखा है, कॉस एक्स को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स करा लॉग लॉग एक्स का, फिर लॉग प्लस लॉग लॉग एक्स को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स करा कॉस एक्स का। ठीक है, अच्छा करा नहीं है, मतलब हमने वो पूरी स्टेटमेंट लिख दी है। तो देखो वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रखा। अब कर रहे हैं स्टार्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कॉस एक्स डी बाई डी एक्स से बाहर है तो बिल्कुल ऐसे ही उतरा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जैसा मानेंगे इसको, देखो जिसको मानेंगे उसका फर्दर होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स को एक्स मान रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मान रहे हैं। लॉग एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स का क्या होता है? वन अपॉन एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स किसका करेंगे फिर? जिसको एक्स माना है किसको माना है? लॉग एक्स को माना है। ठीक है, प्लस साइन, प्लस साइन। लॉग लॉग एक्स डी बाई डी एक्स से बाहर है तो बिल्कुल ऐसे ही उतरेगा ये। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बिल्कुल ऑरिजिनल बन गया। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में। हाँ इस सब मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है ये, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो देखो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही उतरा इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन अपॉन देखो क्या लॉग एक्स। यहां देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ये तो ऑरिजिनल बन गया ना। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है? वन अपॉन एक्स होता है, ऑरिजिनल फंक्शन लॉग एक्स ही है, कुछ माना वगैरह कुछ नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 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 ही है, वन अपॉन एक्स खत्म। प्लस साइन, प्लस साइन, प्लस साइन क्या देखो, यहां देखो सब मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा यार। और क्या बन रहा है देखो, साइन एक्स को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा, अरेंजमेंट कर रहा है। साइन एक्स को आगे लिखा और क्या बचा हमारे पास? लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स। ठीक है, हो चुका यार ये, हो चुका। क्या कर सकते हैं ज़्यादा? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पूरे सिंप्लीफाई हो गया है। फाइनली ये जो लॉग ये सॉरी ये वाई है लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं इसको, क्योंकि तो हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो y को क्रॉस में यहां लेके गए ब्रैकेट, क्योंकि ये y जो है सबके लिए है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, सबके लिए है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्या? cos x अपॉन log x, वन अपॉन एक्स को सबसे आगे लिख दे रहे हैं, वन अपॉन एक्स को सबसे आगे लिख दे रहे हैं ये x। ठीक है, ऐसा लिख दो यार, लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन अपॉन एक्स cos x अपॉन log x माइनस साइन एक्स log log x ऐसे लिखा। क्लियर? क्या करना है लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप कुछ नहीं करना है यार, वाई की वैल्यू जो है, वाई क्या है? वाई तो गिवन क्वेश्चन है, वाई है जो आपका गिवन क्वेश्चन। ये वाई को मैं क्या रख रहा हूँ? गिवन क्वेश्चन जो है वो लिख देते हैं और आंसर आ गया। तो देखो यहीं पर ही डी वाई बाई डी एक्स तो चल ही रहा था, यहीं पर ही कर रहे हैं। इक्वल्स टू वाई, वाई की जगह क्या लिख सकते हैं हम? गिवन क्वेश्चन क्या? लॉग एक्स की होल पावर क्या चल रहा है? कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। क्लियर है? मेरे ख्याल से सब क्लियर होगा आपको, नोट कर लो।